क्वेश्चन इज ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स इफ बी इज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीज बाय सिक्सटी परसेंट सपोज ए ऐसे बनाया गया ये ए है ये बी है अगर बी को ऊपर कर रहे हैं तो सिक्सटी परसेंट वेट बढ़ जा रहा है क्वेश्चन क्या पूछा है हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए सो ऐसे केस में मैंने हमेशा बोला है कि आप ए का वेट को मान लीजिए एक्स की जगह हंड्रेड मान लीजिए और अगर एक्स का वेट को हंड्रेड मानते हैं और बी के ऊपर आने से सिक्सटी परसेंट वेट बढ़ रहा है दैट मीन्स ए बी का वेट कितना हो जाता है वन सिक्सटी जो भी यूनिट है के मान लीजिए वन सिक्सटी के यूनिट आ गया अब बोला है कि बी का वेट हटा देते हैं दैट मीन्स ए को अगर हंड्रेड माने थे तो बी का वेट हमारा कितना था हंड्रेड के हिसाब से सिक्सटी अब यहाँ से सिक्सटी हटा देंगे तो इसका रिजल्टेंट वेट हंड्रेड हो जाएगा सो so हमें क्या बताना है कि हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट टोटल वेट 160 में से 100 हुआ मतलब 60 के जी रिमूव हुआ तो 60 के जी रिमूव हुआ तो ये कितना परसेंट रिमूव हुआ तो 160 का सपोज x परसेंट एक्स इंटू हंड्रेड ये हमारा 60 के जी है तो यहाँ x जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा तो so बस इसे हमें सॉल्व करना है x इज इक्वल टू सिक्सटी इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन ये एक जीरो जीरो दिस विल बी थर्टी दिस विल बी एट देन अगेन ये फिफ्टीन हो गया ये फोर हो गया देन ये टू हो गया और ये फाइव हो गया सो फिफ्टीन फाइव सेवेंटी फाइव बाई टू देट मीन्स थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट सो ये हमारा थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट आ गया आंसर आ गया डी सो so ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हंड्रेड मान लेंगे हंड्रेड के रेफरेंस में हमें आंसर निकल जाएगा सो डी इज द आंसर सी सेट दो के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल दिया है वहाँ पर और साथ ही में उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जाके देख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए थैंक यू